हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके सामने के लिए केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं, रासायनिक संयोग के नियम। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। देखो, रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने से पहले आप देखो, हम पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। देखो, आप कोई भी रिएक्शन दे रखे हो तो हम रिएक्शन को संतुलित क्यों करते हैं? जैसे हमने मान के चलो, ये रिएक्शन दे दिया H2+KO2, इसका तो छोटी सी रिएक्शन है जैसे H2O, जिसे हमने दे दी। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने पर हमारा जल बन रहा, तो हम जल बन रहा। तो देखो, अभी ये रिएक्शन क्या है हमारे, यहाँ देखो हाइड्रोजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, इस तरफ हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन एक है। तो हम इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर हम इसमें दो का गुणा कर दें, जैसे हमने इसमें टू का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो हम यहाँ पर भी कितना कर देगा 2 का मल्टीप्लाई किया। तो देखो, जी रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई। तो हम रिएक्शन को संतुलित करते क्यों हों? देखो, किसी भी रिएक्शन को संतुलित करने के लिए हम उसमें कहीं पर 2 का गुणा करते, 3 का गुणा करते, किसी भी संख्या का गुणा करके हम किसी रिएक्शन को संतुलित करते। तो हम रिएक्शन संतुलित करते क्यों हों? देखो, आप कोई बता सकता है? देखो, रिएक्शन हम संतुलित इसलिए करते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम को फॉलो कराने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आप जी रिएक्शन हमने दे दी, इसे हम संतुलित क्यों करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है रिएक्शन संतुलित करने की? जैसे हमने दिया था तो रिएक्शन भी थी, तो इसको हमने संतुलित क्यों किया? तो कोई पूछेगा आप रिएक्शन को संतुलित क्यों करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम को फॉलो कराने के लिए हम रिएक्शन को संतुलित करते हैं। आप बताइए। देखो, तो अब रासायनिक संयोग के नियम होते क्या हैं? देखो, रासायनिक संयोग के नियम हमारे, देखो रासायनिक संयोग के नियम, चलो देखते रासायनिक संयोग के नियम। देखो, जैसे कौन कौन से रासायनिक संयोग के नियम, जी हमारा जैसे देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो, हमने जैसे यहाँ पर दिया आपको, जैसे एक रिएक्शन दे दी, देखो जैसे एक ए ले लिया कोई अभिकारक और बी अभिकारक ले लिया, दोनों को मिलाने पर हमारा क्या बन गया उत्पाद, ए बी बन गया। तो देखो, अब ऐसे आगे देखते हैं। देखो, जैसे जी है रासायनिक संयोग के नियम। देखो, रासायनिक संयोग के नियम हमारे कौन कौन से, देखो जी हैं हमारा है एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम है, गैलुसेक का नियम, एकाधिकार का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पहले पढ़ते हैं। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? देखो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम बोलते हैं अविनाशता का भी नियम। देखो, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसलिए द्रव्यमान को हम अविनाशता का नियम भी कहते हैं। देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सन 1774 ईस्वी में लेबोजिया द्वारा दिया गया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है, तो उन्होंने बताया कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बस हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने देखो कोई भी रिएक्शन ली, देखो हम देखिए कि रिएक्शन से देख रहे हैं, देखो कोई अभिक्रिया हम दे रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि रिएक्शन करके। देखो, जैसे हम यहाँ पर नीचे दिया रखा है H2 है और प्लस के यहाँ पर O2 है। अब देखो, O2 नहीं, Cl2 हमने, देखो यहाँ पर क्या बना दिया, इसे 2HCl, देखो संतुलित कर दिया हमने। देखो, 2 का गुणा किया, संतुलित क्योंकि रासायनिक संयोग के नियम को फॉलो कराने के लिए हमने रिएक्शन को संतुलित किया। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर जैसे हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है। तो देखो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, आप कम से कम 1 से 30 तक के द्रव्यमान आने चाहिए। अगर आप 1 से 30 तक के द्रव्यमान आपको नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक द्रव्यमान से रिलेटेड वेट को बना दूंगा। तो देखो, अगर जैसे यहाँ पर H2 है, यहाँ पर है Cl2, मिलाकर हमने क्या बना लिया, 2HCl बना। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2। तो हमने मान चलो हाइड्रोजन कितनी, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले ली। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन कितनी है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता हमारा 17, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता, 35.5 होता। तो जब कितने, 2 क्लोरीन है तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसका हो जाएगा द्रव्यमान 71 ग्राम। देखो, और फिर इससे क्या बना, देखो इस तरफ अगर हम अभिकारकों का द्रव्यमान जोड़ेंगे तो कितना हो रहा, 71 और 2j कितना, 73 ग्राम हो रहा यहाँ पर। देखो उत्पाद बना, तो उत्पाद हमारा 2HCl बना। अब देखो इसका भी द्रव्यमान हम जोड़ेंगे तो देखो इसका भी द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 और 1 क्लोरीन है, कितने हो गए, 35.5। इसमें कितने का गुणा, 2 का गुणा, तो कितना हो रहा, 71 ग्राम यहाँ पर हो रहा। तो देखो हम कह सकते हैं, देखो अभिकारक का भी 73 ग्राम, देखो अभिकारक का भी द्रव्यमान देखो 73 ग्राम हो रहा, 71 2 73। और देखो उत्पाद का भी द्रव्यमान 73 ग्राम होता, तो हम कह सकते हैं देखो अभिकारक का जितना भी द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। कहने का मतलब है कि द्रव्यमान
को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए द्रव्यमान के नियम को हम अविनाशता का नियम कहते हैं। देखो सब देखो आगे देखते हैं, देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम देखते हैं। देखो हाँ थोड़ा देखो अभिकारक क्या होते हैं, पहले अभिकारक देख लो। आपको अभिकारक का दो अभिकारक भी होते हैं, जब हम बता दें आपको थोड़ा अभिकारक के बारे में, उत्पाद के बारे में। तो अभिकारक भी होते हैं जो तीर के बाईं ओर लिए जाते हैं, मतलब अभिकारक से मिलकर हम उत्पाद बनाते हैं। देखो जो तीर के बाईं ओर लिए, हमने ए और बी क्या है अभिकारक है, हम रिएक्टेंट बोलते हैं। अब अभिकारक को मिलाने पर जो क्या बना, उत्पाद बनते, उत्पाद क्या बनते उन हम प्रोडक्ट बोलते। तो अभिक्रिया में जो तीर के बाईं ओर लिखे जाते हैं तो वो अभिकारक कहलाते हैं, जो तीर के दाईं ओर बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। आप जानते हो देखो, बेपदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ जुड़ते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जबकि पदार्थ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। देखो देखो अभी हमने द्रव्यमान संरक्षण के, देखो द्रव्यमान के संरक्षण का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब है देखो अभिक्रिया में जितना भी अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। देखो आप देख सकते हैं, देखो जैसे यही रिएक्शन अभी हम पीछे बता चुके, देखो यहाँ पर हमने एन ए का कितना होता है, एन ए का परमाणु क्रमांक, एन ए का परमाणु क्रमांक कितना होता, 11 होता, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता, 23 होता परमाणु द्रव्यमान। तो देखो यहाँ पर कितनी हम एन ए की कितनी ले लिए, 46 ग्राम एन ए ले लिया, और 70.9 ग्राम कितनी ले ली हमने, क्लोरीन ले ली। देखो जब इसको मिलाकर हमने 2NaCl बनाया तो देखो 116.9 ग्राम क्या बना हमारा, देखो द्रव्यमान इस तरह। देखो इस चीज का, इस अभिकारक का भी उतना ही द्रव्यमान हो रहा, यहाँ पर भी देखो उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान हो रहा। देखो अगर हम दोनों को जोड़ें तो दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक का भी द्रव्यमान का कुल योग उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः द्रव्यमान को हम क्या है, देखो द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो जितना अभिकारक का द्रव्यमान था उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान था। हमारे देखो उदाहरण देखते हैं, देखो लेबुजियन ने दिखाया कि जब मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो क्या देता है, मुक्त रूप में ऑक्सीजन और पारा देता है। देखो जैसे मर्क्यूरी ऑक्साइड के अपने 100 ग्राम यहाँ ले लिए, तो देखो मर्क्यूरी ऑक्साइड 100 ग्राम और पारा के ग्राम ले लिए 92.6 ग्राम, और ऑक्सीजन ले लिया हमने कितना, 7.4 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया। देखो जब हमने यहाँ पर पारा और ऑक्सीजन को का कुल द्रव्यमान जोड़ा तो देखो, और जोड़ने पर वही कितना मर्क्यूरिक ऑक्साइड के बराबर हो रहा। देखो जैसे अभिकारक का द्रव्यमान यहाँ पर कितना है, 100 ग्राम है, और उत्पाद का कुल द्रव कितना है, 92.6 ग्राम और 7.4 का, देखो 100 ग्राम हो रहा है। क्योंकि अब इसमें क्या बना, बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया से गुजरने वाले अभिकारों का कुल द्रव्यमान के बराबर है, इसलिए डेटा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुरूप करता है। इसलिए हम कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम फॉलो कर रहा है। देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है कि जितना भी अभिकारक का द्रव्यमान होगा तुम्हारा उतना ही क्या होगा, उत्पाद का द्रव्यमान होगा।